दुश्मनी जम के करो, लेकिन ये गुंजाइश रहे कि जब हम दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा ना होना पड़े। निश्चित तौर पर यह खबर सियासी है और सियासत के दो दिग्गज जो विंद के आई दोनों एक मंच में दिखाने, भले सम्मान के बहाने दिखाने, लेकिन एक मंच पर दो दिग्गज दिखाने तक कई एक तरह के चर्चा के बाजार गर्म होएगा। काहे कि कांग्रेस और भाजपा के जब मतलब यदि कहा जाए कि एक नदी पूर्व गए तो एक नदी पश्चिम गए, और यमेमा जब संगम मनत है तो कहो न कहो चर्चा के बाजार गर्म जरूर हो जात है। ऐसे एक खबर लेके आए हैं, कहे कि हाल ही में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक कार्यक्रम के दौरान मध्य प्रदेश के विंध्य के दो दिग्गज, मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला जो रीवा से विधायक हैं ऊ और मध्य प्रदेश के सियासत के कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता जो मध्य प्रदेश के पूर्व नेता प्रतिपक्ष रहे चुरहट से विधायक है अजय सिंह राहुल, दोनों एक मंच में दिखाने, ओके बाद चर्चा के बाजार गर्म है। और गर्म हो कहे ना कहे कि ओहिन के एक दिन पहले अजय सिंह राहुल के कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के जो सूची आई उनकर जो कार्यकारिणी के गठन भा वो कल के कई सवाल उठाएंगे और गंभीर आरोप लगाएंगे। एक बात अब कयास लगाए जा रहे हैं कि यह नजदीकी के मायने का है विंध्य क्षेत्र के। यह पहल बघेली न्यूज चैनल में हम तक कनिष तिवारी अपना पंचन का सभी जनन का प्रणाम करी थे और शुरुआत करी थी सियासत के एक नई इबारत लिखे वाली पूरी खबर के, जहां प्रवचक बताई दी कि मध्य प्रदेश के विंध्य के दो दिग्गज जब एक मंच में बैठे ता तरह तरह के चर्चा शुरू है। 5 नवंबर का भोपाल में विंध्य के उन तमाम प्रतिभान का सम्मान दीनगा जिनके द्वारा विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता हासिल की गई, लेकिन खास बात यह रही कि यह मंच में विंध्य के दो बड़े दिग्गज नेता मौजूद रहे, दोनों ही बीजेपी और कांग्रेस से हैं। ये दोनों दिग्गज नेता प्रदेश के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला और पूर्व नेता प्रतिपक्ष वर्तमान विधायक कांग्रेस विधायक अजय सिंह राहुल, इन दोनों दिग्गजन के मौजूदगी में यह सम्मान समारोह भा। बता दी कि बघेलखंड सांस्कृतिक भवन ट्रस्ट द्वारा बघेलखंड भवन भोपाल में 5 नवंबर का विंध्य क्षेत्र के उ तमाम प्रतिभान का सम्मान कीनगा जो संघ लोक सेवा आयोग प्रदेश लोक सेवा आयोग को अन्य प्रतियोगी परीक्षा माध्यम में चयनित हो के प्रदेश के विभिन्न पदन में पदस्थ है। एक साथ है उ प्रतिभाशाली विद्यार्थिन का सम्मानित कीनगा जिनके द्वारा बोर्ड परीक्षा में विशेष मुकाम हासिल कीनगा है। अपना बचक बता दी कि आयोजकन के कहा है कि या एक संक्रमण काल के दौर है जब विद्यार्थी का पढ़ाई में बहुत मेहनत करे का पड़ रही है और सरकारी नौकरी पाऊ जो है दिन प्रतिदिन बहुत कठिन हो जा रहा है, ऐसा समय में 6 अंक से पास हो और फिर नौकरी खातिर चयन हो एक बड़े गौरव की बात यह है, ऐसे बिंद के नाम रोशन भा है। अपना बचक बता दी कि यह हाल के दिनों में विंध्य के सबसे बड़े कांग्रेस नेता पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल के द्वारा मध्य प्रदेश के कांग्रेस कमेटी पर सवालिया निशान उठाए गए। अजय सिंह राहुल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कई बे केंद्रीय मंत्री रहे स्वर्गीय अर्जुन सिंह के सुपुत्र हैं। वहीं दूसरी तरफ जो है वर्तमान डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला कोनो जमाने में कांग्रेस में अजय सिंह राहुल के साथ काम कर चुके हैं, ऐसा में विंध्य के दो बड़े नेता और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के शीर्ष नेता का भोपाल में मिलन यह जो है एक नया राजनीतिक समीकरण का जरूर जन्म दे सकता है और यह एक बड़ा सवाल है। अपना का लागत है यह मिलन के बेला के परिणाम का होगा है, कहे कि सियासत माँ और क्रिकेट माँ दोनों माँ बिल्कुल समानता है, एमा हर पल जो है नया बदलाव के अवसर सामने आ सकत है। हालांकि अजय सिंह राहुल कई बे जब कयास लगाए गए पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा से उनके द्वारा उनके घर में जाके भेंट करी अजय सिंह राहुल, उनके बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि अजय सिंह राहुल कांग्रेस छोड़ के भाजपा में जा सकते थे। तमाम ये में जब बात सामने आई तो अजय सिंह राहुल के द्वारा साफ तौर में यह बात कही गई रही कि हम कांग्रेस के आए हैं, कांग्रेस में रहा वो कांग्रेस छोड़ के कहाँ न जा, लेकिन तमाम ओके बादों संभावना खत्म नहीं हो
कहे कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के सड़क में उतरे वाले बयान से लेके और तमाम हुआ जो घटनाक्रम भा कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया के वह सबको दिखे। और वो के बाद भारतीय जनता पार्टी में ज्योतिरादित्य सिंधिया जात हैं, उनका तमाम स्वागत सत्कार वहाँ किए जाते हैं। तो यह घटनाक्रम मध्य प्रदेश दिखे है और उनके द्वारा यह तक लिखा गया रहा कि उसूलों में आँच आए तो टकराना जरूरी है और जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। तो यह बात जब उनके द्वारा कही गई रही तो यह लगभग लगभग सियासत के वह हर वरिष्ठ नेता एक अंदर अपने अग्नि के ज्वाला ले बैठ रहा था और तमाम तरह के कहा जाए कि आशा पैदा कह रहा था कि हमहू को एक बड़ी जिम्मेदारी मिली, हमारा बड़ा नाम हुई, कहे कि जेकर बड़ा नाम रहा वह और बड़े नाम के चाहत रखत है और जब वो चाहत पूरी नहीं होती तो सवाल तब उसूलन पर आँच अब जरूर हो जात है। और फिर जब उसूल पर आँच आवत थी तो फिर यह में टकराहट होती कि ओम से चिंगारी निकलती थी और खा खोमा को होत है वो अपना दिख चुके हैं ना फलीभात तौर से दिखे हैं। हालांकि यह सियासत के जो उसूल का है यह अपना अच्छे से जानी थे, लेकिन यह दो दिग्गजन के जो एक मंच साझा करे के बात रही वह वास्तव में चर्चा के विषय जरूर है। आगामी दिनन पर यह देखब दिलचस्प हुई कि आखिरकार अजय सिंह राहुल के कदम कहाँ चले गई। वही थे अंगद अस पैर गड़ाए अजय सिंह राहुल बैठ रहे हैं या फिर हटाए के एक नए रास्ता के खोज में निकल सकते हैं। तो यह देखब बेहद दिलचस्प हुई हूँ। हम पचे तो पत्रकार ठहरे, वो पत्रकार हमेशा सियासत पर पैनी नजर बनाए के रखत है। यदि कौनों में कोई विशेष खबर आवत थी तो सबसे पहले बघेली न्यूज चैनल अपना तक जरूर पहुंचाई। तो अपन अपने परिवार के रखा बहुत ख्याल, धन्यवाद, प्रणाम। का अपना संतान के सुख से वंचित है, बहने संपर्क करी विंध्य क्षेत्र के विख्यात पहिल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। महिला से संबंधित कोनो गंभीर समस्या के खातिर संपर्क करी प्रतिदिन पुराना तीर्थ मेमोरियल अस्पताल खुटे ही रीवा। संपर्क कर सके थे 8821004016 पर या 07662352451 पर। डॉक्टर बीना मिश्रा स्त्री रोग एवं बाचपन विशेषज्ञ से। प्रथम IVF क्लिनिक, IVF मौच तकनीकी, लेजर हैचिंग के उपयोग,